हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस आज रियलिस्टिक गेम प्ले में एक दफ़ा फिर से आप सबका वेलकम। बेसिकली ये रियलिस्टिक गेम प्ले जो हमने विद इन मर्करी फार्म शुरू किया था, ये उसका रनर अप है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे है ना, टू बी ऑनेस्ट मैं ना आपके लिए गेम प्ले प्रिपेयर कर रहा था और वेट अ मिनट, हाँ तो मैं गेम प्ले प्रिपेयर कर रहा था लेकिन हुआ ये कि मैंने ना काफ़ी ज़्यादा चाफ जो है वो अनलोड कर रखा था अपने सैलरी बंक साइलेज बंकर में, तो उसको जो है वो मैं कंप्रेस कर रहा था। तो मैंने सोचा यार कि मुझे लगता है कि जायंट्स वाले हैं ना, जो चीज़ कोई हैवी होती है ना तो उसके साथ अगर हम कंप्रेस करें तो ये गेम उसको मतलब के ना ठीक मतलब के फिर वो जल्दी कंप्रेस हो जाता है जो चाफ होता है, ठीक है। तो मैं ना उसको गाइस यहाँ पे कंप्रेस कर रहा था तो हुआ ये कि उसको कंप्रेस कर रहा था मैं पहले जेसीबी के ट्रैक्टर के साथ, तो वो बिल्कुल ठीक थी सिचुएशन। लेकिन फिर जब मैंने उसी जेसीबी के ट्रैक्टर के पीछे जो अपना वाटर टैंक डाल दिया तो उसको मैंने कंप्रेस करने की कोशिश की तो वो सारा का सारा जो है वो फंस गया ट्रैक्टर। उस बेचारे में इतनी पावर नहीं थी कि वो उसको पुल अप कर पाए, तो इसलिए अब मैं अपना जेसीबी ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पे फंसा बैठा हूँ। तो अब मैं जो है अपने ये अपने इस 1042 वैल्यू को लेके जा रहा हूँ। अबे बे रुक जा बहना, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। ओके नो ऑप्शन, अभी हम बहुत पीछे हैं आगे मतलब, अब रुक जा। तो ये मैनुअल कनेक्ट करना पड़ेगा, अब लगता है दूसरी साइड से करना पड़ेगा। तो इस तरफ से मेरे ख्याल से ये कनेक्ट ही नहीं होना था, मैंने उल्टा इसको कनेक्ट करने की ट्राई की है। तो इसको अभी देखते हैं कि रेड रेड एरिया वाली साइड से करते हैं, पता नहीं क्यों, वैसे मुझे लगा था कि शायद ये असल में बाकी सारी चीज़ें उस तरफ को स्पान होती हैं, तो मुझे लगा था कि शायद अब होगा। ओके अब देखते हैं कि इसकी बाकी फंक्शनैलिटी आ गई है जी, आ गई है। अच्छा ये एक इसका प्रॉब्लम है कि जब इसको ऐसे कनेक्ट कर तो ये थोड़ा सा ट्रैक्टर जो है ना ये पीछे से उठ जाता है। ओके खैर, तो हम जी जा रहे हैं सिंपली अपना जो है वो ट्रैक्टर निकालने जेसीबी। अच्छा पता नहीं क्यों यार मेरा ये पता नहीं क्यों बड़ी गंदी आदत है, मेरा ना कंसंट्रेशन जो है वो कमेंट्री पे रहता नहीं है जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मतलब कोई इंटरेस्टिंग सा मतलब के काम कर रहा हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन जो है वो कमेंट्री पे रहता नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पे हमने आई एम सॉरी, मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था लेकिन है ना मैं अनेबल करना भूल गया अपना हैंड कैम, तो अब प्रोबेबली वो भी मैंने इनेबल कर लिया, सो यू गाइस कैन सी दैट एज वेल। तो पता नहीं क्यों मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। अच्छा यहाँ पे है ना गाइस रास्ता बहुत ख़राब है और हमने पीछे चेन भी लगा रखी है और उस चेन ने जो है वो हमारा ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा वैसे भी अनस्टेबल कर रखा है, तो हम थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान से चलाएंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर को भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो वो एक मुहावरा होता है कि शिकारी खुद शिकार हो गया और जिसने बचाने जाना वो खुद ही यहाँ पे उसको ही बचाना पड़ जाए, तो ये चीज़ जो है इसको हम अवॉइड करेंगे यहाँ पे। तो स्लोली आराम आराम से जो है वो यहाँ से हम लेंगे जी, राइट। ओके लेट्स गो जेसीबी, वी आर कमिंग टू रेस्क्यू यू। अब पता नहीं क्या बनता है। अच्छा पता क्या है, आई नो कि मैं इसको रेस्क्यू कर सकता था, इसको रिवर्स करके रेस्क्यू कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो ट्रैक्टर है उसके पीछे जो हमने ट्रेलर डाल रखा है वो डॉली वाला ट्रेलर है और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे डॉली वाली चीज़ें जो है वो मेरे से कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है जी। तो इसलिए ये है जी कुछ सिचुएशन। अबे यार ओके तो यहाँ पे हमने करना है इसको, अब ये
यार वो तो ठीक है, इसको अभी हम कनेक्ट किस तरह करेंगे? ओके थैंक गॉड। अच्छा वो ना देखो कि वो नज़र भी नहीं आ रही थी चेन जो है, तो मैं मतलब कि परेशान हो रहा था मैं, क्योंकि मैंने मैनुअल अटैचमेंट भी लगा रखा है ना, तो वो चेन जो है वो नज़र भी नहीं आ रही थी, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा पता नहीं इसको अभी कनेक्ट कैसे करना है। ओके जी गाइस, तो अब हम ट्राई करते हैं इसको खींच के निकालने की। आई जस्ट होप कि अबे आहा, कम ऑन, शाबाश शाबाश फ्रेंड, अबे कर ले जोर यार, थोड़ा सा ही तो है असल में ना। उसके पीछे, जेसीबी के पीछे जो है वो ट्रेलर जो है ना, उसमें पानी है बहुत ज़्यादा, तो वो एक बहुत हैवी किस्म का जो है वो पैकेज बना हुआ है जेसीबी का। तो यहाँ पे फ्रेंड का ट्रैक्टर जो है वो पूरा ज़ोर लगा रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ काम जो है वो बन नहीं रहा। अगर यहाँ पे अभी जेसीबी के ट्रैक्टर में जो है वो होता कोई ड्राइवर, जैसे कि सपोज़ अगर वहाँ पे कमर होता, तो फिर कुछ बात जो है वो बन जानी थी, क्योंकि वो ट्रैक्टर जो है वो तो एक्सलरेट ही नहीं ना कर रहा बिल्कुल ही। तो अभी हम थोड़ा, अबे देखो मतलब कि कैसे वो कर रहा है कि वो ट्रैक्टर देखो कैसे मतलब कि इलास्टिक की तरह वापस जा के उसको लग रहा है। अच्छा अभी हम थोड़ा सा जेसीबी को जो है वो पुल अप करने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ जो है वो, आ हा, नो 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 नो, अबे वो पीछे जा रहे उतना ही। मुझे लगता है कि अभी मुझे एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो टफ डिसीजन ये है कि मुझे वो ट्रेलर जो है वो डिसकनेक्ट करना पड़ेगा जेसीबी के थ्रू, जो कि मैं चाहता नहीं था। मैं चाहता था कि ये ऐसे ट्रैक्टर जो है समहाउ रेस्क्यू हो जाए, तो वैसे तो बात बनती कुछ नज़र नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे हम अभी क्या मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ तो रहा है आगे, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, तो इस तरह से तो फिर हम जो है वो घंटा लगा देंगे। ओके थोड़ा सा ऐसे पुश करके देखते हैं। नो बिल्कुल भी नहीं। तो जेसीबी का ट्रैक्टर जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, ठीक है। तो अभी जो है वो हम फिर इसका यही अभी हम कर सकते हैं कि ये ट्रेलर जो है वो इसको डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये ट्रेलर अब डिस्कनेक्ट हो चुका है, और अब हम अपने जेसीबी के ट्रैक्टर को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रियलिस्टिक गेम प्ले है। अभी आई नो कि मैं इसको अभी ड्राइव करके भी निकाल सकता था, लेकिन अब मैं यही अज्यूम करूँगा कि ये अभी भी फंसा हुआ है। तो ये इसको हमने 1040 वैल्यू के साथ जो है वो रेस्क्यू किया, ठीक है। अबे अबे कहाँ जा रहा है, इस तरफ को मुड़। अरे अरे रुक 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 रुक। ओके तो ये हो गया है जी यहाँ पे। अब हम जो है वो करते हैं इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देते हैं बेसिकली, अगर हो गई तो गुड गुड। अब हम जो है वो इसको जो अपना वो ट्रेलर जो मैंने वहाँ पे फंसा दिया है, उसको हम अपने 1040 वैल्यू के साथ जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी के क्या बनता है। जेसीबी तो नहीं निकाल पाया था, क्योंकि भाई वो ट्रैक्टर मेरी गलती है, उस ट्रैक्टर में बेचारे में इतनी पावर नहीं थी जितना मैंने उसके ऊपर काम जो है वो लगा दिया। तो अभी देखते हैं कि ये वाला ट्रैक्टर क्या करता है यहाँ पे। तो ये इसके हाइड्रोलिक्स भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। लेट्स सी, अभी देखो ये मतलब कितना भरा हुआ है, इसमें पानी ही पानी है। अरे हाय हाय हाय, अबे क्या, ओ माय गॉड, मतलब इस ट्रैक्टर से ये ट्रेलर नहीं निकल रहा, तो जेसीबी ने क्या घंटा निकालना था। अबे चल यार ड्रामे मत कर, जोर लगा, शाबाश शाबाश, आई नो यू कैन डू इट, शाबाश। नो मिल, अबे यार इतना तो आगे तो आ गया है, अभी कर ले शाबाश। नो अरे, थोड़ा सा और जोर लगाओ यार। असल में वो देखो वो
ट्रेलर है ना जो, उसके देखो टायर कितने अंदर धंस रहे हैं, बिल्कुल अंदर को जा रहे हैं उसके टायर। तो वो अभी ट्रैक्टर का जो है वो फुल जोर लगा रहे हैं वो टायर। अरे वाह 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 वाह, लो जी कुछ मुझे लगता है कि मेरे में है कुछ थोड़े बहुत जो है वो ड्राइविंग इंस्टिंक्ट जो है वो मेरे अंदर थोड़े थोड़े, क्योंकि जो यहाँ पे टिपिकल पंजाबी ट्रैक्टर ट्रॉली, अच्छा वो लोग है ना इंटरटेन नहीं होते जब तक ट्रैक्टर के ऊपर इतना लोड ना हो कि वो ऊपर से उठ ना रहे। अच्छा इस सारे चक्कर में हमारा जो कंपैक्टिंग लेवल है वो 38 से 64 पे आ गया है, विच इज़ वेरी गुड। तो अमेजिंग, मुझे लगता है कि मैंने भी जितना एंजॉय किया इसको, इस पूरे प्रोसेस को निकालने को ट्रैक्टर में, क्योंकि अच्छा ये मैंने खुद से क्रिएट नहीं की थी सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गई थी, लेकिन एक अच्छी खासी रियलिस्टिक सिचुएशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई थी। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आई नो कि ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, बेसिकली आज तो गेम प्ले आने ही नहीं वाला था, मैं सिंपली गेम प्ले के लिए जो है वो एक इन्वायरमेंट सेट कर रहा था। तो इन्वायरमेंट सेट करते करते ये काम पड़ गया, मैंने सोचा चलो यार गेम प्ले बना लेते हैं इसके ऊपर छोटा सा। तो आई जस्ट होप कि आप लोग इसको इंजॉय ज़रूर करोगे। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट गेम प्ले वेरी सून, बाय।